नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, जो कि बहुत ही ऑसम है। तो आज मैं अपना बाय टाइटल आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या दिखाने वाली हूँ। तो चलिए, मैं आपको कुछ कलेक्शन है, कुछ डिजाइन है, तो पार्ट वन पार्ट, अगर आप बोलोगे कि पार्ट टू में दिखाइए तो मैं पार्ट टू भी लेके आऊंगी। अभी तो फिलहाल मैं पार्ट वन लेके आई हूँ। तो चलिए दिखाते हैं। मेरे पास कुछ इस तरीके से ये ब्लाउज है, तो मैं ब्लाउज कलेक्शन दिखा रही हूँ कि किस तरीके से। ये मेरे पास ब्लाउज कवर है जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, तो ये आपको मैं बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि कितने कौन सा कलर या कौन सा ब्लाउज मैंने रखा है, और बहुत ही इजी वे में, सिंपल वे में आपका काम हो जाता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ वन बाय वन कर। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लाउज है जो कि मैंने शर्ट स्टाइल में बनवाया था, ऐसे डबल कॉलर में, जो कि शर्ट स्टाइल में यहाँ से वी नेक आता है, और इस तरीके से मैंने इसमें प्रिंसेस कली लगवाई थी, प्रिंसेस कट, और आगे से ये ओपन हो जाता है। और ये इतना आपका ये जो 3/4 स्लीव है वो रखवाई थी मैंने। पहनने में बहुत ही ऑसम लगता है, शर्ट स्टाइल में लगता है, बहुत ही प्रिटी एंड सिंपल सुपर लुक देता है। ये सिल्क का ब्लाउज है, मुझे इस तरीके से साड़ियाँ पसंद हैं, और मैं सिल्क ज़्यादा पहनती हूँ, मतलब जितना पहनती हूँ वो सिल्क ही मुझे अच्छा लगता है। तो ये मेरा फर्स्ट कलेक्शन है। पीछे से कुछ नहीं है, पूरा सिंपल सा है, शर्ट स्टाइल, और मैं लॉन्ग ब्लाउज पहनती हूँ, टॉप कम ब्लाउज, मतलब मुझे छोटे ब्लाउज पसंद नहीं है, तो मैं लॉन्ग ही पहनती हूँ। कभी टॉप के साथ पहनना है, टॉप का काम भी कर जाता है, कभी लहंगे के साथ पहनना हो, इस तरीके से। ये मेरा फर्स्ट ब्लाउज है जो आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरीके से। मैं आपको पिक्चर ऐड कर दूंगी कि पहनने के बाद में ये कैसा दिखता है, ये देखिए। तो चलती हूँ, आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ ब्लाउज अपना। ये है मेरा नेक्स्ट ब्लाउज जो कि हाफ स्लीव में है, और सिंपल सा, सिंपल मैंने इसको सिलवाया है, सिंपल सा गोल गला है इसका, और नेक आगे से ही कट है, क्योंकि कभी कभी हमें गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत पड़ती है चैन वाला ब्लाउज में। तो ये भी फ्रंट ओपन है इसका भी, और ये प्रिंसेस कट में है। मैं प्रिंसेस कट ही ज़्यादा पहनती हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, और ये लॉन्ग लेंथ है। पीछे से भी इसका गोल और सिंपल सा गला है, ये देखिए। ये भी सिल्क की साड़ी है और सिल्क का ही ब्लाउज है। तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं साड़ियाँ जरूर दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मेरे पास ब्लाउज है। नेक्स्ट आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट ब्लाउज है इस तरीके से, ये भी कॉटन सिल्क है इस तरीके से। इसकी एल्बो तक इसका जो है आस्तीन है इसका, और इसका गोल गला है, जो इसका नेक है वो राउंड शेप में है, और मैंने रेड कलर की पाइपिंग लगवाई है, क्योंकि इसकी जो साड़ी की बॉर्डर है उसमें थोड़ा सा रेड कलर का है, और जो मैंने प्रिंसेस कली लगवाई है वो भी इस तरीके से राउंड राउंड रेड कलर की है। तो आप पिक्स ले सकते हैं, यदि आपको पसंद है मेरा ब्लाउज डिजाइन तो आप टेलर के पास जाके, बुटीक में जाके आप सिलवा सकते हैं, देख सकते हैं। ये भी फ्रंट ओपन है, फ्रंट ओपन पहनने में थोड़ा सा इजी रहता है, इसलिए मैंने फ्रंट ओपन अभी लेटेस्ट में फ्रंट ओपन ब्लाउज ही बनवाए हैं। पीछे से कुछ नहीं है, बस सिंपल सा एक इस तरीके से प्लेट्स पड़ी है, और बस सिंपल सा ये बॉर्डर लगा हुआ है, और राउंड नेक है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखा रही हूँ। नेक्स्ट आपने देखा कि मेरा जिस तरीके से ब्लू कलर का ब्लाउज था, सेम उसी प्रकार है, और उसी तरीके से साड़ी है, और ये साड़ी गिफ्टेड है। बताऊंगी फिर मैं जब साड़ी दिखाऊंगी कि इसका क्या राज है इस साड़ी का। तो ये देखिए, ये भी 3/4 लेंथ का है इसकी आस्तीन, और ये डबल कॉलर में है, शर्ट स्टाइल, फ्रंट ओपन एंड प्रिंसेस कली, और
शर्ट स्टाइल लॉन्ग ब्लाउज है, सेम टू सेम बना है, बस कलर में चेंज है। तो नेक्स्ट ब्लाउज आपको दिखा रही हूँ। तो नेक्स्ट ब्लाउज मैं दिखाने जा रही हूँ जो कि पिंक कलर का है, बहुत ही ऑसम और बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ही स्मार्ट लुक देता है पहनने के बाद में। तो ये देखिए फुल स्लीव है इसकी और बहुत ही प्यारी लग रही है, और इस तरीके से ये बैंड कॉलर हाफ शर्ट कॉलर में है। मैं बता दूँ, मुझे सूट हो या साड़ी हो उसका ब्लाउज मुझे कॉलर वाला ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मेरा जो नेक है वो पतला है और शुरू से ही मेरी ये नेक लाइंस पड़ी हुई थी, तो उसमें कॉलर वाले में मतलब कि बहुत अच्छा लुक आता है, इसलिए मैं कॉलर वाले ही ज़्यादातर बनाती हूँ, नहीं तो बोट नेक बस इतना ही पसंद है, बट डीप नेक तो मेरे पास रेयर मिलेगा। तो ये देखिए ये इस तरीके से है, टॉप स्टाइल में है। तो इसको पहनने के बाद में ये बहुत प्यारा लुक देता है, और मैंने इसको बिफोर मैरिज बहुत पहले टाइम से बनवाया था, जब कोई कॉलेज में पार्टी वगैरह होती थी उसके लिए। और मैं आपको पिक्चर्स लगा दूंगी यहाँ पे कि कितना प्यारा सा लगता है इसको पहनने के बाद में। और इसको मैंने अपने उसके लहंगे के साथ में, स्कर्ट के साथ में भी यूज किया हुआ है, और साड़ी के साथ में भी यूज किया। तो आप इस तरीके से मार्केट से फैब्रिक लेके आप अपने बुटीक में या टेलर में, या आपके पास कोई घर भाभी बुआ चाची दाई ताई जो भी सिलाई करती हो उनको आप दिखा के आप सिलवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्स ले सकते हैं स्क्रीन शॉट में। तो ये देखिए पीछे से कुछ नहीं है, सिंपल सादा ब्लाउज है इस तरीके से, बस लॉन्ग है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लाउज आपको कैसे लगे। हाँ, जो डीप नेक वाले होंगे और थोड़ा सा चमक धमक पहनने वाले होंगे उनको कम पसंद आएगा, लेकिन जितना भी मेरे पास कलेक्शन में बताती हूँ आपको, मैं सिंपल सूट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, चूड़ियाँ हो, साड़ी हो, ब्लाउज हो या मेकअप का वगैरह वगैरह कुछ भी हो, तो सिंपल ही पसंद करती हूँ, तो इसलिए मेरे पास सिंपल ज़्यादा मिलेगा कॉलेज गोइंग गर्ल्स या ऑफिशियल इस टाइप से। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट ब्लाउज दिखाती हूँ। नेक्स्ट ब्लाउज मेरे पास कुछ इस तरह से है, जो कि वोट नेक है, आगे पीछे दोनों में वोट नेक है, और ये ग्रीन कलर का मैंने इसमें पाइपिंग दे रखी, क्योंकि जो मेरी साड़ी है टोटल पूरे ग्रीन कलर में है, और उसका जो हल्का सा कंट्रास्ट में बॉर्डर है ये वो ओनली पिंक कलर में है, इसीलिए पूरा पिंक कलर का ही ब्लाउज पिंक कलर का दिया हुआ, सारी ग्रीन कलर की है। तो इसमें भी मैंने ये जो प्रिंसेस कली में है ये मैंने इसको ग्रीन कलर से डलवाई थी, और ये साइड चेन वाला है, ये इस तरीके से इसमें साइड जिप लगी है, तो इसमें ओपन नहीं है आगे पीछे से, ये साइड चेन वाला है। तो ये मेरी शादी की साड़ी है जो चढ़ाई में जाती है, उसी का एक ब्लाउज ले लिया मैंने सिंपल के तौर पे, क्योंकि अभी तो बहुत सारा रखा हुआ है कलेक्शन, लेकिन एक साथ दिखाने में अच्छा नहीं लगता, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बोर करने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है। तो ये देखिए बस मेरे ब्लाउज आपको जो नीचे से लेंथ है उनकी ज़्यादा मिलेगी, तो इस तरीके से है, और ये सिंपल सा ब्लाउज है। आप अगर आइडिया लेना चाहते हैं, आपकी मैरिज होने वाली है या आप सिलवाना चाहते हैं कुछ लेटेस्ट नया, तो आप इस कुछ देख के आपको इससे हेल्प मिल जाएगी कि हमें किस तरीके से ब्लाउज सिलवाना चाहिए। ज़्यादा ओपन तो नहीं मिलेगा मेरे पास लटक झटक वाला सिस्टम, लेकिन जो सिंपल सोवर है वो डिज़ाइन आपको मेरे पास मिल जाएगी। ये सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं, और आप लोग यदि बोलोगे तो मैं नेक्स्ट और आपको वीडियो बनाऊँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, और नेक्स्ट ब्लाउज आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट ब्लाउज ये है, ये इसका कलर कैमरे में तो इस तरीके से दिख रहा है ये, लेकिन ऑरेंज पीच ऑरेंज मिक्स है, ये डबल साइडर वो है जो डबल उसमें धूप छांव वाले जैसे बोलते हैं उस तरीके से ये साड़ी है, कभी ऑरेंज दिखती है, कभी लाइट पिंक दिखती है, और कभी पीच कलर की दिखती है, इस तरीके से ये, और ये ऐसे सिंपल सी साड़ी है, इसमें सिर्फ ये डिजाइन दिया हुआ है। ये मेरी इंगेजमेंट की साड़ी थी, और इसमें बस मैंने छोटा सा वोट नेक बनवाया, और इसमें ये छोटी सी पतली सी लेस लगवाई, और इसमें प्रिंसेस कली है, और ये मैंने थोड़ा सा इसमें पफ ऐड करवाया था, ये पफ लगा हुआ है, ये पफ वाला ब्लाउज है, और ये इस तरीके से लॉन्ग ब्लाउज है।
डोंट माइंड प्रेस नहीं है, क्योंकि मैं बस एक जगह पहन के गई थी, तब से ये यूं ही रखा है और मैंने इसको अभी कहीं जाना भी नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा मैंने वॉश भी नहीं कराया है। तो इस तरीके से ये मेरे पास ब्लाउज है। नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास गोल्डन कलर का ब्लाउज है और इसमें छोटी सी इस तरीके से ये लगवा के रखी थी मैंने। ये डेली यूज के लिए, कभी मिक्स मैच करना होता है इसलिए मैंने इसको बनवा लिया था। और मेरे पास गोल्डन और भी हैं, बट ये सिंपल सोवर के लिए, कहीं जाना है या छोटा है। नीचे भी इसमें ये दे रखा है और ये मैं ज़्यादा कभी कभी पहनती हूँ, तो इसमें मैंने जिप नहीं लगवाई है, इसमें साइड से मैंने हुक लगवा रखी है। बस ये दो हुक लगवा रखे। पहले मैंने जिप लगवाई थी बट कंफर्ट नहीं थे कभी डेली यूज पहनने में, तो इसलिए मैंने उसको हटवा दी। और इसमें भी वी नेक है और बस आप जानते हैं मेरा फेवरेट प्रिंसेस कली का ये भी ब्लाउज है और सिंपल सोवर एंड लॉन्ग है। नेक्स्ट ब्लाउज मैंने मीशो से मंगवाया था, तो वो थोड़ा सा नीचे से छोटा है, क्योंकि अगर हम स्टिच करवाते हैं तो अपने पसंद से करवा लेते हैं लॉन्ग, लेकिन यदि हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उसमें कुछ ऐड भी नहीं कर सकते। ये लाइक्रा का ब्लाउज है, ये आपने देखा था, मैंने शायद पहले वीडियो में पहना था जब मैंने चूड़ी बैंगल्स कलेक्शन का बनाया था। तो इस तरीके यहाँ नेट का फैब्रिक लगा है और ये भी प्रिंसेस कली है। इसमें इसकी लेंथ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ सफिशियंट है, ज़्यादा अनकंफर्ट नहीं लगता है, कंफर्ट है। तो ये ब्लाउज है और ये लास्ट ब्लाउज को मैंने दिखाया है, और क्योंकि अभी तो बहुत सारा है, फिर बहुत सारा ब्लाउज हो जाएगा। अब आप काउंट कर लीजिएगा मैंने कितने ब्लाउजेस दिखाए हैं, मैं तो भूल गई दिखाते दिखाते। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। और जो मेरे पास था सिंपल सोवर कलेक्शन, मैंने आप लोगों के सामने पेश किया, दिखाया, ताकि आपको हेल्प मिल सके। आप कहीं भी जाएंगे टेलर के पास में तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे वीडियो से, बता दीजिएगा कि इस तरीके से मुझे बनवाना है, और थोड़ा सा स्टाइलिश या रिच लुक देना, तो सिंपल एंड स्मार्ट लुक रखिए, तो देखिए आप कितना अच्छा लगता है, सबसे पार्टी में आप अलग नज़र आओगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस यही, अपना बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो मैं कभी कभी वीडियो बना लेती हूँ। और मेरी वीडियो हर तरीके से, सारी चीज़ों से रिलेटेड है, कभी सिंगिंग से, कभी स्टडी से, कभी नर्सिंग से, कभी फैशन से, कभी मेकअप से। तो इस तरीके से आप लोग ये मत बोला करिए कि नहीं ये वीडियो बनाइए। हाँ बोलती हूँ, आप बोलिए, मैं बनाऊँगी, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए और मुझे पूरा एरिया लेके चलना है, कवर करना है। स्टडी वाला देखते हैं, बाकी अदर सोशल सबके लिए मेरा चैनल है, तो सबके लिए मुझे वीडियोस अपलोड करना पड़ता है और करूँगी। तो फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हैं, आप सब लोग अच्छे होंगे, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, इस ये दौर चल रहा है, थोड़ा सा ड्रिंक और खाने की एनर्जी ज़्यादा रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं लेती हूँ विदा, बाय बाय।